हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज शुरू करते हैं 1.2 का इंट्रोडक्शन, और आज इंट्रोडक्शन रहेगा, कल इसके क्वेश्चन। ठीक, तो शुरू करने से पहले 1.2 में से क्या कहता है, इसके जो इंट्रोडक्शन है, टाइप ऑफ फंक्शन। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फंक्शन। तो टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ने से पहले हमको फंक्शन पता होना चाहिए, और फंक्शन पता होने से पहले चलो चलो एक बार हम फंक्शन की बात करते हैं। हमने फंक्शन पढ़ा कहां था? 11th में पढ़ा था, तो चलो फिर एक बार फंक्शन की हम डेफिनेशन पता करते हैं। आखिरकार होती क्या है फंक्शन? टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो फंक्शन के बारे में हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और फंक्शन से पता होने से पहले मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। इस चैप्टर में, पहले चैप्टर में कार्टेशियन प्रोडक्ट तो मेरे को बिल्कुल पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? ठीक, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले मेरे को पता होना चाहिए एक सेट क्या होता है। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे पास सेट कहलाता है। वस्तुओं के सुव्यवस्थित और सुपरिभाषित संगठन को सेट के समुच्चय कहते हैं। अब एक सेट मेरे पास ये है, जैसे ये एक है, ये दो है, ये तीन है, और एक सेट मेरे पास बी एक ये है, ये ए है, ये बी है। मेरे को ध्यान से सुनना। देखो, ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज 1.2 अगर हल्का सा तुम समझ जाओगे तो 1.3 तुम्हारी ऐसी बन जाएगी। जो 1.2 है 1.3 से बिल्कुल रिलेटेड है। 1.2 सीखना है, 1.1 निकालना है, 1.2 पता करना है, बस वही अगले चैप्टर में एक स्टेप आगे बढ़ना है, बस हो गया। तो इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना, और इससे एक क्वेश्चन पक्का आता है। अब सुनो, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? ए क्रॉस बी। मैंने भी जैसे कि पहले, इससे पहली वीडियो में हमको आपको मैंने बता भी रखा है, अगर आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। तो उससे पहले चलो फिर भी मैं ए क्रॉस बी के बारे में बता देता हूँ। सुनो, ए क्रॉस बी का मतलब होता है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब दो सेटों को अगर मैं गुणा करता हूं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन ऐसे लिखते हैं, ये एक के साथ ए लिखूंगा, इस एक के साथ क्या लिखूंगा? बी लिखूंगा, इस एक के साथ क्या लिखूंगा? सी लिखूंगा, इस दो के साथ क्या लिखूंगा? ए लिखूंगा, इस दो के साथ क्या लिखूंगा? बी लिखूंगा, इस दो के साथ क्या लिखूंगा? सी, इस तीन के साथ क्या लिखूंगा? ए, तीन के साथ क्या लिखूंगा? बी, और तीन के साथ क्या लिखूंगा मैं? सी लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? ये मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो परिभाषा होती है वो मेरे से क्या कहता है? द सेट ऑफ, ये भी सेट ही तो बना ना, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर इन ए एंड बी इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब क्या? कार्तीय गुणन एक ऐसा सेट है, एक ऐसा समुच्चय है क्रमित युग्मों का एक ऐसा समुच्चय है। देखना एक बार, कार्तीय गुणन क्रमित युग्मों का ऐसा समुच्चय है जो ए और बी में है। जितने भी ए और बी में क्रमित युग्म होते हैं उनका समुच्चय है। अब एक क्रमित युग्म क्या है? सबके सब क्रमित युग्मों का। अब एक क्रमित युग्म का मतलब क्या है? देखो, इतनी अच्छी बात कही है, क्रमित युग्म, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। अब सुनो, अभी इसका मतलब क्या है? देखो, युग्म का है तो पेयर है, जोड़े में आएगा। देखो, ये जोड़ा है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, जोड़ा है। क्रमित का एक क्रम के अनुसार आ रहा है, ऑर्डर्ड है, क्रम है। कैसा क्रम है कि भैया ये पहले ए का है, फिर बी का है, फिर ए का है, फिर बी का है, ये ए का है, ये बी का है। देख लो, क्रम है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है? जितने भी क्रमिक युग्म है, ए और बी में सभी क्रमिक युग्मों का जो सेट होता है वो मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। इतनी बात आई समझ में? क्लियर है? ठीक है ना? अब सुनना, फिर इसमें बिल्कुल ध्यान सुनना। इसमें ना, जैसे मेरे पास क्या, मैंने क्या लिखा? ए लिखा। बिल्कुल ध्यान से सुनना भैया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको फंक्शन के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि 5.1 पढ़ना है तो वहां फंक्शन लगेगा, ठीक है ना। और मतलब कुल मिलाकर के तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आखिरकार फंक्शन क्या होता है, बिल्कुल पता होना चाहिए। जैसे मेरे पास एक सेट एक और है, ए है मेरे पास, एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक मेरे पास क्या है? डी है, और एक मेरे पास क्या है? एम है, और एक ए है, एक मेरे पास क्या है? एस है, और मेरे पास एक बी है, ये बी में मेरे पास क्या है? चलो ये हम हटा देते हैं, ए डी बस हो गया, हाँ, ए डी एम के एस। एक और मेरे पास क्या है? ए एन ए एन डी है। डी फॉर मेरे पास क्या है? दीपक है। फिर डी फॉर मेरे पास क्या है? दीपा है। फिर एम फॉर मेरे पास क्या है? मानस है। फिर मेरे पास क्या है? के फॉर क्या है? कमल है। और एस फॉर मेरे पास क्या है? शिवम।
सुनना भी, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हुआ ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी हुआ क्या, बिल्कुल ऐसा हुआ है, मैंने अभी अभी बताया है। देखो ए और बी में सभी कर्मी क्यूब में, ए के साथ ये सब कुछ आएंगे, आएंगे कि नहीं, डी के साथ ये सब कुछ आएंगे, आएंगे कि नहीं, एम के साथ ये सब कुछ आएंगे, आएंगे, के के साथ ऐसे ये सब आएंगे, एस के साथ ये सब आएंगे, ये हो गया मेरे पास कर्मिक युग में या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा ना, से एक मेरे पास एक परिभाषा आती है रिलेशन की। देखो रिलेशन का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं संबंध, संबंध का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना, जो संबंध होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का उपसमुच्चय होता है, और उपसमुच्चय का मतलब क्या होता है, जैसे ए बराबर है मेरे पास है एक दो तीन है, इसका उपसमुच्चय क्या कहलाएगा, अगर जैसे मान लीजिए बी इसका उपसमुच्चय है, तो बी ऐसा सेट होगा जो ए के सभी एलिमेंट को क्या करता होगा, अपने पास रखता होगा, जो जिसमें इस बी में सिर्फ इस ए के ही एलिमेंट हो रहे होंगे और कहीं और जगह नहीं हो रहे होंगे, तभी ये बी उपसमुच्चय है बी का, तभी ये बी उपसमुच्चय है ए का, आई बात समझ में, बी उपसमुच्चय है ए का, अब जब इस बी में सिर्फ ए के अवयव होंगे, बस हो गया, ए के अवयव से अलग, अगर अगर अलग अवयव हो गया तो इसका मतलब बी जो होगा वह सबसेट नहीं कहलाएगा, जैसे मान लीजिए इसमें पांच आ गया तो बी सबसेट नहीं कहलाएगा, तो ऐसे क्या होगा, जो रिलेशन होगा इसको हम क्या बोलते हैं, संबंध बोलते हैं, जो संबंध होता है बिल्कुल ध्यान से सुनना, जो संबंध होता है वह कार्टेशियन प्रोडक्ट का संबंध को लिखता हूं मैं, आर से जो ये आर होता है ये सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, या फिर ये ए क्रॉस बी हो जाता है, ये बराबर भी लगा था, या फिर ये आर ए क्रॉस बी हो सकता है, तो आर की परिभाषा ये होती है कि भैया आर ए और बी के कुछ अवयवों को संबंधित करेगा, ए से बी के अवयवों को संबंधित करेगा, जैसे कि यहां पर तो कर रहा है आर, क्या आर संबंधित कर रहा है कि ए से आनंद है और फिर मेरे पास क्या है, बी से क्या है मेरे पास है? दीपक है, और मेरे पास क्या है, एम से क्या है मेरे पास है? एम, और मेरे पास इसको मैं मिटा यहां पर लिखता हूं ना, ये आर को देखो यहां पर लिख रहा हूं आर को, आर को मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो आर मेरे पास क्या है, ध्यान से देखना, ए से तो देखो मैंने क्या कहा, जो रिलेशन होगा बिल्कुल एक बार और ध्यान से सुन लेना, हाँ जो रिलेशन है क्या है, रिलेशन देखो जो रिलेशन है मतलब मेरे पास क्या है, एक बार और बिल्कुल ध्यान सुनना, आर जो है, जो ये आर है यहाँ पर लिख देता हूँ, एक बार अच्छी तरीके से यहाँ पर लिख देना, देखना बिल्कुल ध्यान से सुनना, जो रिलेशन है इसको क्या बोलते हैं भैया, संबंध, और जो ये संबंध है यह है आर जो होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, उपसमुच्चय होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का, होगा कि नहीं, और यह आर में कुछ अवयव ही होंगे, इस आर में ऐसे अवयव आएंगे जो ए से संबंधित होंगे बी के लिए, आई बात समझ में, जो ए से बी में संबंधित होंगे, जैसे अभी इस आर में क्या क्या संबंधित है, यहां ए से, यहां ए, यहां नाम का पहला अक्षर है और यहां मेरे पास क्या है, नाम है, इससे संबंधित है कि नहीं है, जैसे ए से तो मेरे पास क्या रखा है, एलियन रखा है, और बी से क्या रखा है मेरे पास, दीपक रखा है, और एम से क्या, देखो एक और डी से मेरे पास क्या आया है, दीपक आया है, और मेरे पास क्या, एम से क्या आया है, मानस आया है, और मेरे पास क्या आया है, के से क्या आया है, कमल आया है, और एस से क्या आया है, शिवम आया है कि नहीं भैया, ठीक है, यही मेरे पास क्या है, रिलेशन है, मतलब क्या है, ए का कोई ना कोई अवयव, ए का अवयव बी के अवयव से संबंधित है, क्या कैसे संबंधित है, अभी नाम से संबंधित है, ए में तो नाम का पहला अक्षर है और मेरे पास बी में क्या है, नाम, आई बात समझ, ठीक, अब सुनो, अब ध्यान से देखना, जो इस रिलेशन में पहले पहले नाम पहले पहले चीज होती है, जैसे ए है, डी है, ये डी है, ये एम है, ये के है, ये एस है, मतलब क्या, जो इस रिलेशन में पहले पहले होते हैं, इस रिलेशन में पहले पहले मतलब इस ए के अवयव होते हैं, यहाँ पर ए के तो अवयव है ना, ये यहाँ से सुनना, जो रिलेशन में ए के अवयव आए हैं, मैंने क्या कहा, जो रिलेशन में ए के अवयव आए हैं वह मेरे पास क्या कहलाते हैं, जो रिलेशन में, जो संबंध में ए के अवयव आए हैं, ए के अवयव आए हैं, अवयव आए हैं वो क्या कहलाते हैं मेरे पास, वह मेरे पास क्या कहलाते हैं, प्रांत कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रांत, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डोमेन, इतनी बात आई समझ में, क्लियर, और जो ये बी के जो अवयव आए हैं, जो आर में, जो आर में बी के अवयव आए हैं, जो दूसरे नंबर में बी के अवयव आए हैं, ये मेरे पास क्या कहलाते हैं,
हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इसको मैं क्या बोलूंगा, रेंज। और जो मेरे पास पूरा का पूरा बी है, और बी मेरे पास क्या कहलाता है, सह प्रांत कहलाता है, मतलब वो दूरी। मैं मानो इतना आ गया करके तुमको समझ में है कि प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, इतना ठीक है ना। तो अब मैं एक बार इसको मैं मिटा दे रहा हूं, एक बार और मैं तुमको बस ब्रीफ में समझाने की कोशिश करता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर दो समुच्चय हैं, दो सेट हैं, दो सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तिक गुणन, मतलब क्या, ए और बी में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर कर्मिक युग्म में होते हैं, सब पूरे के पूरे कर्मिक युग्म का जो समुच्चय होता है वह कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है, और उसमें रिलेशन क्या होता है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, या कभी कभी पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही हो जाता है, मतलब रिलेशन में ए के अवयव बी के अवयव से कहीं ना किसी, मतलब ए के अवयव बी के अवयव से संबंधित होंगे, वही मेरे पास रिलेशन बात है। इतनी बात आई नहीं समझ में? अब सुनना, यहां पर कुछ चीज बता दूंगी मेरे को, जैसे मैं लिखना चाह रहा हूं, ध्यान सुनना। अभी मैंने क्या लिखा था, यहां पर तो क्या था, ए था, और क्या लिखा था मैंने, अभी मैं जो रिलेशन था आया था, ए आया था और डी, फिर एम के एस, और यहां पर तो मेरे पास क्या था, ए था, ए एन ए एन डी। बार बार तुमको फंक्शन पूरा पता होना चाहिए, फंक्शन में प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, सहप्रांत क्या होता है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि 5.1 आएगा इसके बिना वहां भी नहीं चलेगा, ये तो बहुत इंपोर्टेंट है भैया, मैथमेटिक्स में तो मैथमेटिक्स की जान है, समझो। D4 मैंने क्या लिखा था, और एक और चीज क्या लिखी थी, और मैंने M4 क्या लिखा, और मेरे पास क्या है, K4 क्या है, S4 क्या है, अब सुनना भी हाँ, एक और लिख देता हूं उदय, ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं, ये A लिखा, ये B लिखा। सुनो, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B में तो क्या आएगा मेरे पास, ईमानदारी से हम जानते हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है, ए के साथ आनंद, ए के साथ ये, 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 ए के साथ ये आएगा, और फिर डी के साथ ये, बी के साथ ये, डी के साथ ये, एम के साथ इतना सारा, के के साथ इतना सारा, एस के साथ इतना सारा आएगा कि नहीं आएगा, परंतु मेरे पास जो रिलेशन है उसमें क्या आ रहा है, सिर्फ ए से आनंद, डी से दीपक, बी से दीपा, एम से मनोज, ए से कमल, एस से शिवम, इतना आ रहा ना। तो इसका मतलब क्या है, जो ए डी एम के एस है, ये तो मेरे पास क्या है भैया, प्रांत है, तो इसका मतलब प्रांत कभी भी मेरे को ए में मिलेगा, आई बात समझ, मतलब बाएं हाथ में मिलेगा, और यहां पर मैं जो ये आनंद से लेकर के शिवम तक का ये मेरे पास क्या है, और तुमको पता होना चाहिए प्रांत को, मैं कभी कभी अगर डोमेन कह दो तो तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि अपने पुराने के फॉलो में डोमेन कह दो तो तुमको पता होना चाहिए, डोमेन मतलब क्या होता है, प्रांत होता है, परिसर का मतलब क्या होता है, रेंज होता है, ठीक है ना। और यहां पर से क्या हो जाएगा, वो एक पूरा का पूरा जो बी है ये मेरे पास क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है ना, आगे बढ़ो, क्लियर। अब सुनना फिर, सुनो, यह ए की, ए का जो प्रतिबिंब है वो क्या है मेरे पास, आनंद है, ए का प्रतिबिंब क्या कहलाएगा, आनंद, ए का प्रतिबिंब क्या कहलाएगा, बी का प्रतिबिंब दीपक और एम का प्रतिबिंब, ए का प्रतिबिंब एस का प्रतिबिंब, उदय का कोई भी प्रतिबिंब नहीं है, ठीक। इसको मैं आप क्या कर दे रहा हूं, देखो मैं इसको मिटाता हूं, अब मैं यहां पर से एक डेफिनेशन ला रहा हूं, बहुत ही गजब की डेफिनेशन, जिसको हम बोलते हैं फलन, क्या बोलते हैं, फलन, मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन, अभी तक का इतना ठीक है ना, बस अब देखो फलन का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, मतलब इस एक एक जैसे ये ए है ना, इस ए के जो अवयव, जो ए के अवयव है ना, बिल्कुल ध्यान सुनना, जो ये ए के अवयव होंगे ना, इनकी सिर्फ एक ही इमेज होगी, इनका सिर्फ कितना प्रतिबिंब होगा, एक ही प्रतिबिंब होगा, वही चीज मेरे बाप फलन कह रहा है, और चीजें मेरे बाप फलन नहीं कह रहा है, मतलब यह ए का और ए के अवयव यहां, जैसे ये बी की ना, देखो बी के कितने प्रतिबिंब बन रहे हैं, दो, तो इसका मतलब यह फलन नहीं है, ये संबंध है फलन नहीं है। मैंने फलन की परिभाषा क्या बोली एक बार और, मतलब प्रांत के अवयव की कितनी इमेज बनेगी, एक इमेज बनेगी, प्रांत के अवयव की एक इमेज बनेगी, यही मेरे पास क्या कहलाता है, फलन कहलाता है, क्लियर। मैंने क्या कहा, अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, प्रांत
वैसे तो ये तुमको बिल्कुल मुंह जबानी पता होनी चाहिए, बिल्कुल समझ में आनी चाहिए कि प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, संबंध क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, फिर भी लिख लो मतलब क्या कहा मैंने। फ्रन में क्या कहा, प्रांत के अवयवों की सिर्फ की सिर्फ एक ही इमेज होगी, एक ही इमेज होगी, मतलब क्या एक ही प्रतिबिंब होगा। समझ में आया नहीं बात को? अब जस्ट मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, कुछ देखो ध्यान से देखना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखना। एफ लिखा मैंने, यहां लिखा एक दो तीन चार, लिखा यहां लिखा ए बी सी डी लिखा, ये एक एफ ऐसे लिखा, यहां लिखा एक दो तीन चार लिखा, यहां ए बी सी डी लिखा, ठीक, एक एफ लिखा, यहां एक दो तीन चार लिखा, यहां मैंने ए बी सी डी लिखा, यहां मैंने एफ लिखा, यहां मैंने एक दो तीन चार लिखा, यहां मैंने ए बी सी डी लिखा। अब सुनो, मैंने क्या कहा भैया, प्रांत के अवयव की, प्रांत के अवयव की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, इसकी एक इमेज है बस, इसकी भी एक इमेज है बस, इसकी भी एक इमेज है बस, इसकी भी एक इमेज है बस, तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या भैया, आई नहीं बात समझ में, ठीक है। तो ये कैसा रिलेशन है, फलन है, ये कैसा रिलेशन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो सभी, देखो सभी फंक्शन, देखो ध्यान सुनना, देखो यहां क्या आया भैया रिलेशन, यहां क्या आया फलन, तो जो फलन है वो रिलेशन का ही तो प्रकार है ना। तो देखो सभी रिलेशन अभी एक, देखो प्रांत के अवयवों की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, इसकी कितनी इमेज आ गई, तो इसका मतलब ये फलन, प्रांत के अवयवों की इसकी एक ही इमेज, इसकी भी एक ही इमेज, इसकी भी एक ही इमेज, इसकी भी है तो एक ही इमेज ना, तो इसका मतलब ये क्या है मेरे पास, फलन है। इसकी भी एक इमेज, इसकी भी एक इमेज, इसकी भी एक इमेज, इसकी भी एक इमेज, तो इसका मतलब क्या है, फलन है। तो इसका मतलब क्या बना, सभी रिलेशन फलन नहीं हो सकते हैं, ये सभी रिलेशन है फलन नहीं हो सकते, परंतु सभी सभी फलन रिलेशन हो सकते हैं। आई बात समझ, क्लियर है? फलन का मतलब क्या हो गया कि भैया ए के जो इधर साइड ये मैंने क्या लिखा, प्रांत के अवयव की कितनी इमेज होनी चाहिए, क्लियर? अब सुनो कुछ चीजें और बता रहा हूं तुमको, ठीक है ना। देखो ये पहला चैप्टर तो सबसे सरल है, अगर मैं सही बताऊंगा ईमानदारी से, बस समझ में आना चाहिए और फिर थोड़ा सा लिखना सीखना पड़ेगा कि हमको ये माना हमने ऐसा लिया, माना हमने ऐसा लिया, बस हो गया। और सुनो एक और चीज ले रहा हूँ, ध्यान से देखना, मान लिया जाए यहाँ पर कोई फलन है, ये ए है, कभी कभी ये ए में ही, चलो ए से ए में डिफाइंड है, ये मेरे पास एक दो तीन चार है, यहाँ पर भी मेरे पास एक दो तीन चार पाँच है, मान लीजिए ये ऐसा है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये तीन पर है हाँ, और एक ये है, ये फलन है मेरे पास एक, ठीक है, बहुत अच्छा फलन है। तो सुनोगे, सुनना, इस एक का प्रतिबिंब क्या है, दो है, इस एक यहां पर मैं कभी भी क्या लिखता हूं x, ये मेरे पास क्या होते हैं x, तो ये मेरे पास क्या होते हैं, इन देखो ये x का f इमेज, f ऑफ x होता है मेरे पास, fx होता है, ठीक है, ये x है इसका fx मेरे पास, देखो अगर x एक है तो f x कितना हो जाएगा मेरे पास, अगर x एक है तो fx मेरे पास कितना हो जाएगा, दो, मतलब f एक मेरे पास कितना आया है, अगर मेरे पास x2 है तो f2 मेरे पास कितना हो जाएगा, 3, और f3 बराबर कितना हो जाएगा, 3, कुल मिलाकर अगर मैं fx कहूंगा तो fx में कौन से अवयव आएंगे, fx में कौन से अवयव आएंगे, मतलब b के प्रांत परिसर सहप्रांत क्या आएगा, सहप्रांत नहीं परिसर आएगा, fx में मेरे पास क्या आएगा, परिसर, सोचो ना जरा, नहीं आएगा परिसर, और x में क्या आएगा मेरे पास, शिवम नहीं पक्का ना, क्लियर है इतना। अब मैं फलनों के प्रकार की बात करता हूँ, ये तो था मेरे पास पूरा 12 कितने का था बच्चों मेरे पास 12 नहीं सॉरी 11 का। अब मैं बात करता हूँ फलनों के प्रकार की जो मेरे पास इसमें आ रहे हैं यहाँ पर, तो क्लास 12 में। तो सुनो अब मैं कुछ उदाहरणों लिखता हूँ, जैसे मैंने लिख दी एक एफ लिखा, ये ऐसा किया, ये ऐसा किया, और यहाँ पर लिख दिया मैंने इतना, एक दो तीन चार, यहां से किया ए बी सी डी, ठीक, ये एफ किया, यहां पर मैंने लिखा
एक दो तीन चार, और यहाँ पर से कितना लिखा है ए बी सी डी, ठीक, और एक एफ लिखा यहाँ पर, लिख दिया एक दो तीन चार, बिल्कुल ध्यान से समझना, ये सब के सब मेरे पास फलन है, ठीक है ना, अभी सबके साथ फलन है, यहाँ पर मैंने लिखा एक दो तीन चार, ये मैंने क्या लिखा ए बी सी डी, इसको मैंने इसके इससे साथ इसके साथ इसको, ये तो फलन है, वाकई में फलन है, यहाँ ये और ये, और फिर मेरे पास ये, और यहाँ हम लोग ई भी लिख दिया मैंने, ठीक है ना, यहाँ ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ ई भी है, और ये और ये और एक ये डी मिला दिया, ठीक है ना, क्लियर। अब सुनना फिर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बड़ी खासियत हो रही है, यहाँ पर इस वाले में पहले वाले में F1 कह देते हैं, इसको F2 कह देते हैं, F3 कह देते हैं, F4 कह देते हैं, पहले फलन में F1 में अपनी खासियत हो रही है कि भैया एक का एक के साथ मतलब प्रांत एक है तो परिसर भी एक है, 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 तो इसका मतलब क्या, जहां एक का एक के साथ संबंध हो, एक का एक के साथ, क्या कहा मैंने, एक का एक के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या की यहाँ पर तो मेरे पास क्या हो रहा है भैया, एक का एक के साथ नहीं है, नहीं है, क्योंकि इसके कितने आ जा रहे हैं, दो आ जाए, आ जाएंगे, इसका तो है, इसका तो है, परंतु यहाँ दो आ जाए, तो इसका मतलब ये एक एक नहीं है, ठीक है, मतलब ये बहुत एक एक है, many one है, मतलब बहुत सामना एक है, many one, क्या कहा मैंने, many one, मतलब क्या हो गया, many का मतलब बहुत सारे, one का मतलब एक, बहुत सामना एक है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, many one। यहाँ पर तुमको एक चीज ध्यान से दिख रही है, ये x होता है, ये मेरे पास क्या है, y, ये y पूरा का पूरा क्या है, भरा हुआ है, y पूरा का पूरा क्या हुआ है, भरा हुआ है, जहां y पूरा का पूरा भरा हुआ होता है, जहां y पूरा का पूरा भरा हुआ है, उसे हम बोल देते हैं आच्छादक, मतलब क्या, ऑन टू, एक ही रूम आच्छादक ना, क्लियर है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑन टू, ऑन टू का मतलब क्या होगा, वाई जो होगा वो पूरा का पूरा क्या होगा मेरे बच्चों, भरा हुआ, और यहां पर एक चीज देखो, वाई तो पूरा भरा हुआ है, ये वाई है, ये एक्स है, हां ये एक्स है, और ये क्या है मेरे पास, वाई तो पूरा भरा हुआ है, और एक का एक के साथ संबंध है, है है, तो इसका मतलब इसको हम क्या बोल देते हैं, एक एक ही, और एक एक भी है, और अच्छा दर्द भी है, और इसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वन 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 टू, आई वाज समझ, एक का मतलब क्या हो गया, एक का एक पर, एक का एक पर, एक का एक पर, एक का एक पर, अच्छा दर्द का मतलब क्या हो गया भैया, पूरा का पूरा वाई भरा हुआ, अगर एक एक ही भी है, अच्छा दर्द भी है, तो इसका मतलब वो मेरे पास क्या है, वन वन और टू फंक्शन है, एक एक ही अच्छा दर्द, इसको हम क्या बोलते हैं, एक एक ही अच्छा दर्द को हम क्या बोलते हैं, एक एक ही अच्छा दर्द, वो भी तो अच्छा दर्द की बात, कौन सा वाला है, ये वाला F2 कहाँ, ये A तो खाली रह गया, और कुछ, अब सुनो, अब हम क्वेश्चन बना रहे हैं, अभी मैं लिखाऊंगा, बाद में आएगा कि अच्छा था, तो बाद में लिख लोगे, लिख तो तुम किताब से भी लोगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तुमको समझा दिया है, अब मैं तुमको सबके सब जो उदाहरण है वो बताता हूँ, एक एक उदाहरण बताता हूँ, अगर तुमने उदाहरण समझ लिए ना, तो तुम प्रश्न को आराम से बता दोगे, ठीक है, तो अब सुनो, एक एक ही तो तुम आराम से निकाल दोगे भैया, एक एक ही तो तुम बिना देखे तुम ऐसे सिद्ध कर दोगे, परंतु बहुत ही अच्छा था, बड़ी दिक्कत, तो शुरू करने जा रहा हूं मैं, एक एक को समझने से पहले अब मैं ऐसा भी कह देता हूँ, एक एक के लिए एक और चीज है, ध्यान से रखना, एक एक के लिए एक और चीज है, देखो ये मेरे पास क्या है, x, ये मेरे पास क्या है, fx, बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक एक के लिए मैं बात कर रहा हूँ, देखना, अगर मान लीजिए मेरे पास, मैंने दो बिंदु लिए, x1 एंड x2, देखो मैंने x1 x2 लिए, मान लीजिए एक और दो ले लिए, थोड़ी देर के लिए मैंने अभी क्या लिया, अब एक और दो नहीं कह दिया, मैंने कह दिया x1 equal to x2 दे, तो इसका मतलब क्या है, एक और दो नहीं दिया है, x1, ध्यान सुनना, इस बात को सुनना, सुनो, अगर x1 यदि x1 x2 के equal है, यदि अगर ऐसा है, तो तब then अगर मेरे पास ऐसा है, fx1 बराबर किसके आ जाए, fx2 के, तो इसका मतलब क्या है, फलन f है, फलन क्या है f है, तो इसको मतलब समझना, हां मैंने क्या लिख दिया ऐसा, सुनो, अगर x1 x2 के equal है, मतलब देखो, इक्वल का मतलब क्या हुआ, जैसा x1 वैसा x2, जैसा x1 वैसा x2,
बहुत बढ़िया, जैसा एक्स वन वैसा एक्स टू, तो इसका मतलब एक ही तो लिया होगा, एक बराबर दो तो कभी हो नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या, एक बराबर एक ही तो होगा, तो एफ एक की जो इमेज होगी वो बराबर ही होगी एफ एक के, मतलब एफ एक की इमेज कितनी इमेज होगा, बी बराबर होगा किसके, बी के। अगर कभी ऐसा हो जाए ना कि अगर एक बराबर तो एक है और एफ एक की इमेज नहीं है बराबर एफ किसके, एक के, जैसे मेरे पास ये एफ 1 2 3 4 यहाँ पर क्या ए बी सी डी, ये तो देखो अगर एफ एक तो कितना है मेरे पास, एक बार ए आया है, एक बार कितना आया, बी आया है, बराबर नहीं है, बराबर क्या नहीं है, अगर एफ एक के बराबर नहीं आया है मतलब कुल मिलाकर के अगर x1 x2 के बराबर है तो इनकी इमेजें भी वही होनी चाहिए, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, अगर भैया नहीं आया बराबर नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, एक नहीं है। अगर कभी कभी ऐसा भी हो जाए जैसे x1 x2 बराबर नहीं है और मेरे पास क्या fx1 बराबर x2 आ जाए तब भी मेरे पास एक एक नहीं होगा, अगर x1 x2 के बराबर नहीं है, अगर मान लीजिए एक एक यहां पर बात चलो एक बार हो, इसको समझा ना रही कितनी अच्छी बात लिख रहा हूं ना मैं, क्वेश्चन ही करनी है बिल्कुल, एक एक टॉपिक को समझना है बिल्कुल अच्छे तरीके से, जैसे देखो ये है तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो x1 तो बराबर नहीं है x2 के ना, देखो एक एक ही नहीं है ना क्योंकि एक का एक पर नहीं है, x1 x2 के बराबर नहीं है, परंतु इनका जो fx1 है वो किसके बराबर है fx2, तब भी मेरे पास एक एक ही नहीं होगा, आई बात समझ में क्लियर। तो अब सुनो मैं कुछ क्वेश्चन करता हूं, एक एक ही याद रखना, एक का एक पर एक का एक पर एक का एक पर एक का एक पर लिखाऊंगा कब, जब पूरी क्लास चलेंगी, अभी नहीं, जब क्लासें चलने लग जाएंगी अच्छी तरीके से तब लिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो सुनो फिर, अब अगर तुमको चीजें समझ में आ गई ना, देखो हम तो कभी ना किताब से लिखाते हैं ना उधर से लिखाते हैं ना इधर से, क्यों, क्योंकि हमको चीजें समझ में आ गई, समझ में आई तो हम कैसा भी लिख सकते हैं, लिखना क्या उतनी बड़ी बात है यार, मेन है सबसे मेन क्या है, समझना, समझना है तो शुरू करते हैं समझने के लिए, उदाहरण नंबर मेरे पास 7 है, और जो उदाहरण नंबर 7 कह रहा है मेरे बच्चों मेरे से क्या कह रहा है, देखो उदाहरण नंबर 7 मेरे से क्या कह रहा है, मान लीजिए कि कक्षा एक्स के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय ए है, कक्षा एक्स मतलब 10 कह रहा होगा सर, 10 के ए जो 10 में कितने बच्चे हैं मेरे पास, 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों का जो समुच्चय है वो मेरे पास क्या लिख रखा है भैया, 50 बच्चों का जो समुच्चय है वो मेरे पास क्या लिख रखा है, ए से लिख रखा है, ऐसा कहा उसने, बिल्कुल ध्यान से देखना किताब में, बुक खोलो, चाचा की शादी में आया है, अरे किताब नहीं खोलता जो, ए मेरे पास क्या है, 50 बच्चों का क्या है समुच्चय है, क्लियर। अब आगे ध्यान से देखना, मान लीजिए एफ जो है मेरे पास फंक्शन है, एफ कैसा है, ए से एन, और जहां वो एक गहराई लिखा है जिसका मतलब क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, याद रखना जहां गहरा एन, मैंने पहले दिन बताया था गहरा एन प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कहां से शुरू होता है मेरे बच्चों, ध्यान से देखो एन गहरा एन बराबर कहां, एक प्राकृत, 1 2 3 4 चलती चलती, गहरा जेड लिखा होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, काला जेड, गहरा जेड बराबर तो इसका मतलब क्या, पूर्णांक, पूर्णांक तो कहां माइनस भी होते हैं, -1 2 -3 -4 पूर्णांक, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, गहरा आर लिखा होगा तो रियल नंबर, मतलब क्या हो जाएगा फिर भैया आपके पास, सभी वास्तव अपरमेय और प्रमेय संख्या है, ठीक है ना, या फिर मैंने रियल नंबर की परिभाषा आपको बताई हुई है, जिसका वास्तविक संख्या, रियल नंबर गहरा आर जिसका स्क्वायर करते हो और वो क्या आता है हमेशा धनात्मक आता है, ठीक है ना, मतलब अंडर रूट के अंदर निगेटिव नहीं होना चाहिए, अंडर रूट के अंदर अगर निगेटिव करोगे उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, तो वो है मेरे पास क्या नहीं है, पूर्णांक नहीं, ये वास्तविक नंबर नहीं है, तो जो एफ है वो मेरे पास कहां से है, ए से लेकर के क्या है एन तक का है, आगे बढ़ चले, अब क्या करें मेरे से, एफएक्स सुनो यहां पे आंसर देखो, एफ ए ए में तो मेरे पास क्या है विद्यार्थी 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों के नाम होंगे, नाम में मेरे पास क्या आएगा अनुज आ जाएगा, ऐसे में तो होंगे अनुज, पहला कोई अनुज ही तो होता होगा शायद, ए से है तो कोई कोई ए से और कोई बताओ, अनु अनीता आ जाएगा, क्या आ जाएगा ए से और बताते हैं, अभय आ जाएगा, ऐसे तो होंगे यार 50 बच्चे, फिर बी से होगा, बी से क्या होगा, बी से कोई होते हैं बालक हो गया,
फिर सी से क्या होगा, चमन हो गया। ऐसे तो होंगे 50 बच्चे, और मैं एंड में मेरे पास क्या होगा, एंड कहां से शुरू होगा, 1 2 3 4 चलते चलते 50 51 चलते चलते आगे को। ठीक, तो आप सुनो, ये ए है ये एन है। अब मेरे पास क्या कह रहा है, एफ एक्स क्या कह रहा है, देखो ये एक्स है, एक्स तो क्या होंगे, प्रांत, प्रांत में विद्यार्थियों के नाम। एफ एक्स क्या होंगे मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चलते चलते, यही तो होंगे ना एफ एक्स। तो एफ एक्स कह रहा है, एफ एक्स बराबर, देखो एफ एक्स बराबर भी मेरे पास क्या कह रहा है, विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर है, विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर है, क्या है, रोल नंबर है, विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर है, कह रहा नहीं, विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर क्या आएगा, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा। तो मेरे को बताना है कि सिद्धि कीजिए कि, अब देखो कुछ नहीं बताना है मेरे को, सीधे बताओ। सबसे पहली बात, अनुज का तो एक ही रोल नंबर हो सकता है, अनुज के दो रोल नंबर तो नहीं हो सकते। ऐसे भैया इसका भी एक ही नंबर होगा, ऐसे इसका भी एक ही नंबर होगा, तो इसका मतलब ये एक ही तो है, समझ रहे हो? नहीं, मैंने क्या कहा था कि आच्छादक होने के लिए एफएक्स पूरा भरा हुआ होना चाहिए। कहां भरा हुआ यार, ये तो 85 तक का आएगा, 51 52 53 थोड़ी ना भरे, तो इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है। आई बात समझ, आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर किसमें, 8वें। बस अगर तुम ये एग्जांपल समझ लिए ना, तो समझोगे एक्सरसाइज को तुम आराम से घर बैठोगे, एग्जांपल समझ लिए एक्सरसाइज घर बैठोगे, एक दो क्वेश्चन दिया एक्सरसाइज का सब आ जाएगा। अब देखो मेरे से क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर मेरे पास क्या कह रहा है, एफ एक्स बराबर मेरे पास क्या कह रहा है, 2x। एफ एक्स मेरे पास क्या है भैया, 2x है, एफ एक्स 2x है, जो फलन एफ कहां से कहां तक का है, आर से आर तक का है। तो मुझे बताना है एक एक की तथा आच्छादक है, तो लो जो भी है बताते हैं एक एक चीज। आर से आर तक कभी कर देते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। सुनो, ये एफ हो गया, ये एन हो गया, इधर भी मेरे पास क्या है, एन है, थोड़ा चक्री भी बना लेते हैं। एक्स मेरे पास क्या है, एन है, तो एक्स मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होंगे चलते चलते। और सुनो, एक्स की मैं एक रखा तो यहां पर से कितना आ जाएगा, एक्स एक रखा तो यहाँ एन भी, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे होंगे। तो देखो, अगर मैंने एक्स एक रखा तो यहाँ एक्स है, यहाँ एफ एक्स है, अगर मैंने एक्स एक रखा तो एफ एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। किसने कहा थी 3 क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, 4 यहाँ रखो ना, 4 2 8। तो बताओ फिर यहां पर ध्यान से देखो, यही पर को देख लो, एक ही है, अच्छा तक है नहीं है, क्यों, ये 3 5 6 भरे नहीं है मेरे पास, ये तो था भैया नॉर्मल देखेगा। अब सुनो, कभी क्वेश्चन बड़ा आ जाए तो क्या करूंगा, ध्यान से देखो, मैं एक ही प्रूफ कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना भैया, एक ही देखो, एक ही के लिए मैं क्या कहूंगा ना, मैं कहूंगा माना, मैं क्या कहूंगा, माना fx1 बराबर है किसके, fx2। अगर fx1 तो बताओ कितना आ जाएगा, 2x1 हो जाएगा, भी बराबर है किसके, 2x2 के। इससे ये गया तो x1 बराबर क्या आ गया, x2। तो इसका मतलब क्या हो गया, अतः फलन क्या है, ये तो बहुत ही सिंपल है, एक है, मतलब अगर fx1 fx2 के इक्वल है तो x1 x2 क्या हो जाएगा, तो बहुत ही सिंपल है, क्लियर है ना। अब परंतु मेरे को अच्छा था भैया, अच्छा था मतलब गले गले आ जाती है, शायद तुम घर में भी बनाओगे तो मैं तो आराम से बना दोगे, पर अच्छा तक नहीं बना पाओगे, तो आप दोनों अच्छा तक के लिए क्या करते हो, बिल्कुल ध्यान से सुनो, सुनना अच्छा तक के लिए। अच्छा तक का मतलब देखो, अच्छा तक का मतलब y, इसको y भी बोलता हूं मैं, ये x होता है, ये y होता है, और ये y इक्वल टू मेरे पास क्या होता है, fx होता है, क्यों ऐसे तो होता है, y इक्वल टू fx। तो इसका मतलब क्या है ना, अच्छा तक होने के लिए ये जरूरी है कि भैया y कुछ ना कुछ y मिलना चाहिए, मतलब एक y एक है तो ये पक्का मिलना चाहिए था, अगर अच्छा तक है तो 2 है तो ये पक्का मिलना चाहिए था, सुनना मेरी बात को, 3 है तो 2, ये 3 का कुछ ना कुछ प्रतिबिंब पक्का होना था, 4 किसी ना किसी यहाँ इससे डोमेन से रिलेटेड होना चाहिए था, 7 डोमेन से, तभी जाकर के, मतलब मैं कोई सा भी वाई लूँ तो मुझे क्या, मतलब मुझे हर एक वाई मिलना चाहिए, मेरे कहने का मतलब है अच्छा तक होने के लिए मुझे हर एक वाई मिलना चाहिए, ऑन टू होने के लिए मुझे हर एक वाई मिलना चाहिए, मिलना चाहिए नहीं। तो सुनो भाई, ऑन टू होने के लिए तुम क्या बोलोगे ना, ऑन टू के लिए बिल्कुल ध्यान सुनो, जो ये एफ एक्स इक्वल टू 2x है, ये एफ एक्स इक्वल टू 2x है, या तो तुम चित्र से तो नहीं बनाओगे, क्योंकि चित्र से तो अभी अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, भबरी जाओगे, तो
तो इसको तो तुम y बोल दो, f x को तो तुमने क्या बोला y, क्यों? तुम जानते हो f x इक्वल टू तुम्हारे पास क्या होता है, y इक्वल टू f x होता है, होता है क्या? क्योंकि जो f x होता है, जो रेंज होती है, उसको मैं y करके लिखता हूं, क्लियर है? अब ध्यान से सुनो, तो y, तो यहां पर से तुम किसकी वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू निकालोगे, x की क्या निकालोगे, x की क्या है भैया? तो सुनो, अगर वन टू है, ध्यान से सुनना भैया, अगर मैं वाई कुछ भी रखू तो मुझे x मिलना चाहिए, तभी ऑन टू होगा, लेकिन मिलेगा नहीं, क्यों? अगर मैंने एक रखा तो एक बट्टा दो x, मतलब 0.5, 0.5 तो x है ही नहीं, यही बात है। अगर ऑन टू तभी होगा जब मैं y रखूंगा कुछ, तो मुझे x पक्का मिलना चाहिए, अगर मान लिया जाए इसी में, तो इसका मतलब ऑन टू नहीं है, अगर मान लिया जाए ना इसी में, सेम टू सेम यही क्वेश्चन, ये चीज समझ गए ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, तो तुम समझोगे, तुम हर चीज समझ गए हो, तुम ये पूरे अब जैसा मैंने कहा अभी ये तुम समझे हो, तो 1.2 1.3 तुमको पूरी समझ में आ गई, अब तो दिक्कत ही नहीं है। देखो तो मैं क्या निकाल रहा हूँ, इसका ऑन टू निकाल रहा हूँ, आर से आर पर है, आर का मतलब क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिसमें प्रमेय और अपरमेय संख्या सब होती है। तो सुनो, ऑन टू के लिए क्या करोगे, ऐसे लिखो भी ऐसे दोगे, 1-1 तो तुम डाल लेगा आराम से, इसमें ऑन टू करना चाहिए, तो मैं क्या कहूंगा, माना दिया है, सबसे मैंने में क्या लिखूंगा, दिया गया फलन, दिया गया फलन, तो मैं क्या लिखूंगा भैया, इंग्लिश में भी लिख देते हैं, जैसा लिखना चाहते हो गिवन फंक्शन, तुम जैसा लिखना चाहते हो वैसा लिख लो, दिया गया फलन, तो तुम्हारे पास क्या हो गया, एफ एक्स इक्वल टू कितना हो गया, हम जानते हैं, हम जानते हैं वाई इक्वल टू कितना होता है, तो यहाँ से y इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, ठीक है? तो अब मैं क्या करूंगा ना, मैं अपना काम लिख रहा हूँ पेपर में, कहीं कॉपी वॉपी में मत लिखना, समझने के लिए लिख सकते हो, मैं पहले क्वेश्चन में समझने के लिए जरूर लिखना, कि भैया कभी बाद में उठाओगे तो दिक्कत जाएगी, मैं x की वैल्यू निकालूंगा, क्या निकालूंगा मैं, x की वैल्यू निकालूंगा, तो y इक्वल टू मेरे पास y अपॉन 2 बराबर क्या आ गया, सुनो ये है, बिल्कुल ध्यान सुनना, ये है आच्छादक होगा, आच्छादक होगा मतलब क्या, ऑन 2 होगा, 1-1 एक की आच्छादक ऑन 2, ये है 1 ऑन 2 होगा, ये आच्छादक होगा, यदि यदि मैं कुछ भी, अब कुछ भी y रखूं और लिखते भी रहना, और मुझे क्या मिल जाए, एक्स आई नहीं बस, ये तो जरूर लिखना, ये पूरा का पूरा लिखोगे ना, इसको लिखो इतना जरूर आप से, देखो चलो एक बार मैं सॉरी चलो रुको प्रॉब्लम लिखो लिखो इसको, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये चीज तुमने समझनी, ये फलन लिखना आर से आर पर लिखना, इसको मैं अच्छा तक प्रूफ कर रहा हूं, ऑन टू, ऑन टू का मतलब क्या होता है, अच्छा तक, और ये जो मैं भी लिख रहा हूँ, ये जो ब्रैकेट में लिखे ना, ये वाला ब्रैकेट लगाऊंगा मैं यहाँ पर से, ये जो हमने अपनी भाषा ली है, ये पेपर में लिखी है, बस हो गया, और सब चीज लिख सकते हो, ठीक। अब सबसे कह देना,
शुरू कर दूं? चलो फिर अब सुनो, फिर मैंने क्या कहा, ये अच्छा तो होगा यदि मैं कुछ भी y रखूं और मुझे x मिल जाए। अब सुनो, y क्या है मेरे पास? r है। मैं कोई सा भी r रखूं क्या मुझे x मिलेगा? नहीं, ये बताओ, सोचो जरा। मिल जाएगा पक्का। मैं कोई सा भी r रखूं, r रखूं ना, कोई सा भी r रखूं तो x मुझे पक्का मिलना है। नहीं मिल रहा तो रखो, कुछ भी रखो यार, तुम r 5 रखो, 6 रखो, 2 रखो, 1 रखो, -2 रखो, -1.5 रखो, -6.5 रखो, क्योंकि इसका साथ इसका बट्टा करोगे तो कुछ ना कुछ आएगा ही। न्याय बात समझ रहा है? न्याय आया? नहीं आया? नहीं, तुझे नहीं आया? पक्का ना? तो y में कुछ भी रखूं, अभी n से n पर था, तो अब देखो y में कुछ भी रखूं x इसलिए मिलेगा ना, y में कोई सा भी r रखूंगा तो ये इधर आर ही मिलेगा मुझे, आर से कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, और आर से ज्यादा बड़ा क्या यार, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव बस हो गया, इतना ही दिक्कत होती है। आई बात समझ में? क्लियर? तो सुनो, तो इसका मतलब क्या, ये मेरे पास क्या था, इसी में एक और क्वेश्चन लेता हूँ, ध्यान से सुनो। मान लेते हैं मेरे पास एक्स स्क्वायर है, और एफ मेरे पास कहां से कहां तक है? आर से। देखो एक्स कुल मिलाकर के एक्स वन बराबर एक्स टू आया, और एक्स वन बराबर कितना आया? माइनस एक्स टू। क्या ये एक ही है? एक एक ही है। मैंने माना ये था एक एक ही होता कब? जब सिर्फ मेरे पास ये आता, परंतु मेरे पास ये दोनों आ गई, प्लस भी आ गया माइनस भी आ गया ना, प्लस माइनस नहीं होता कि अंडर रूट उधर भेजा दो, तो इसका मतलब ये एक एक ही। इसको तुम सॉल्व भी कर सकते हो, यहाँ आर लिख लो, यहाँ आर लिख लो, यहाँ एफ लिख लो, यहाँ जीरो हो, यहाँ एक हो, दो हो, ये माइनस एक हो, दो हो, माइनस तीन हो, यहाँ जीरो लिखो, ये माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, ये माइनस एक, माइनस यहाँ एक दो कितना तीन, तो जीरो का स्क्वायर जीरो, एक का, देखो एक और एक इन दोनों का स्क्वायर एक, दो और माइनस दो दोनों का कितना चार, कहाँ आ रहा है क्योंकि नहीं आ रहा, क्योंकि एफ एक्स वन एक्स टू के इक्वल था, तो मेरे पास सिर्फ एक्स वन एक्स टू के इक्वल आना चाहता, परंतु आगे से गया। अब सुनो, अब मैं क्या कॉम टू प्रूफ करता हूँ, अच्छा तक के लिए क्या बोलूंगा मैं, वाई इक्वल टू क्या बोल दूंगा, एक्स स्क्वायर, एफ एक्स को वाई बोल दूंगा, इसको मैंने क्या बोल दिया, वाई इक्वल टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। अब ध्यान सुनो, ये स्क्वायर घर गया तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा, अंडर रूट कितना आ जाएगा, वाई बराबर कितना आ गया, एक्स। क्या मैं कोई सा भी, देखो y क्या मेरे को r है, क्या मैं कोई सा भी y रखूं मेरे को x मिलेगा? सोचो जरा, कोई सा भी y रखूं, हां लेकिन और तो नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि वो माइनस 1 है। हां देखो, मैंने क्या कहा, मैं y कोई सा भी रखूं और मुझे x अभी नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने y अगर देखो y बराबर माइनस 1 रख दिया, y तो r है ना मेरे पास, y तो r है, ये x है, ये y है, y तो r है, y तो मेरे पास क्या है, r है, तो r मैंने अभी क्या ले लिया, r में से एक y इक्वल टू कितना ले लिया, माइनस वन, तो यहाँ पर को माइनस वन रखा तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर माइनस वन, तो ये तो भैया क्या होता है, i हो जाता है, तो इसका मतलब मुझे अभी x क्या मिला मेरे को, प्लस माइनस i मिला, x अगर मैंने y की जगह माइनस वन लिया था, x मेरे को प्लस माइनस i मिला, x, परंतु x, तो इसका मतलब अभी मेरे पास क्या आ गया, x क्या आ गया, काल्पनिक आ गया, काल्पनिक आया, मतलब क्या आया, कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र संख्या आ गई, आई, परंतु x तो मेरे पास क्या है, रियल है, x क्या है मेरे पास, रियल है, तो इसका मतलब ये ऑन टू आई थिंक बात समझ में, थोड़ा सा क्लियर करना है, एक क्वेश्चन और बना दी बीसी से, चलो अब ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा यार, तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुमको, चलो अगला एक और उदाहरण से बना लेते हैं, कोई अच्छा सा उदाहरण है, देखो कोई उदाहरण नंबर 9 वही तो कह रहा है fx बराबर 2x, एक-एक में अच्छा देखा है, तो उनसे साथ साथ कह रहा है, वो देख लो भैया, अतः समझ गए हो कि नहीं, उदाहरण नंबर 9 को आराम से बना दिया ना, बस ये समझ लो, इसी के अगला स्टेप करना है अगले वाले चैप्टर में, बस अब मेरे से सिद्ध कीजिए, कह रहा है उदाहरण नंबर 10, उदाहरण 10,
उदाहरण 10 मेरे पास क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि f1 बराबर किसके है, f2 के बराबर है, तो 1 है। तो अब सिद्ध क्या करना, आप घूमने करके मेरे को पता चल गया ये क्या है, ये मेरे को दी गया आपने क्या नहीं है, नहीं गुणन तो है यार, f1 की नहीं है, एक की नहीं है, क्योंकि 1 और 2 1 does not बराबर 2 है, 1 2 के इक्वल नहीं है, परंतु f1 किसके बराबर आ गया, f2 के बराबर। अगर 1 2 के बराबर नहीं है तो f1 भी 2 के f2 के बराबर नहीं होना था, साफ साफ ये मेरे को दी गया है, मेरे को दी गया है। तू तू क्यों नहीं समझ रहा है, अभी मिलना मेरे को लास्ट में। तथा x जो है मेरे पास क्या है, बड़ा है किससे, 2 से, और fx मेरे पास क्या है, x - 1 द्वारा प्रदत्त फलन f n से कहां से का मतलब है, n से n पर है, आच्छादक है, तो इनटू x की नहीं है, n से n पर है, तो x मेरे पास क्या है, 2 से बड़ा है। चलो तुम ग्राफ बनाना चाहते हो, ग्राफ बना लो, एक बार चलो लिख लो, तो f कहां से कहां तक का है, n से तक, आराम समझ समझ लो, जैसे तुम समझो चित्र से समझो। अब देखो यहां x होता है, यहां क्या होता है, fx होता है, fx को ही मैं क्या बोलता हूं, y को, और x जो है मेरे पास 2 से बड़ा है, तो इसका मतलब 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 2 से x 2 से बड़ा है ना, और जब 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 सुनो क्वेश्चन क्या है, जब x 2 से बड़ा है तो ऐसा है, और f मेरे को पहले यहां दिया गया है ऐसा, सॉरी क्वेश्चन पूरा पढ़ना हां, 1 2 3 4 5 6 7, जब f1 यहां पे कितना, 1 2 3 4 5 6 7, f1 और f f ये देखो f1 बराबर 1 है, मतलब f1 यहां पर जो f1 है, तो देखो ये ऐसा ही होगा ना, 1 लिया तो f1 बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, f2 f f f2 का मतलब कि f2 बराबर मेरे पास क्या है, 1 है, यह 1 भी मेरे पास क्या है, f2 है, इसको समझ रहे हो नहीं, ये क्या लिख रहा हूं मैं, ऐसा मेरा f1 बराबर 3 होगा, अरे समझ यहां ध्यान से देखिए, मेरे पास क्या है, पहले तो मुझे ये दिया है, ये पहले तो मुझे ये क्वेश्चन किताब पढ़ किताब में ये दिया है मुझे, ये तो दिया है मुझे f1, f1 का मतलब क्या है भैया, 1 f1 यहां पर f1 मेरे पास 1 है, तो इसका मतलब कि f ये 1 से 1 हो गए, f2 ये है, उसके बाद जब x 2 से बड़े हैं, जब 2 से बड़े हैं तो मेरे पास क्या है, जब 2 से बड़े हैं तो मतलब कितना, 3 है, तो f3 कितना आ जाएगा, 2, जब जब x 2 से बड़े हैं बल तब ये है, पहले तो ये है, फिर जब x 2 से बड़े हैं तो ये है, 4 है तो कितना आ जाएगा, 5 है तो कितना आ जाएगा, 6 है तो, 7 है तो, ऐसे तो आप बता दो भैया, ये तो पता नहीं नीचे तक कितना होता रहता है, मेरे को तो कुछ पता नहीं है, यहां से साफ मेरे को दिख रहा है 1 1 तो नहीं दिख रहा है, परंतु आम तो जरूर होगा, क्योंकि आगे तो बढ़ता रहेगा ना ये, कभी ना मतलब ये 7 का तो पक्का मिलेगा, 8 का पक्का मिलेगा, कुछ ना सबका सब बढ़ता रहेगा वो, ठीक चित्र से तो पता चल जा रहा है, ऑन 1 1 तो नहीं है, तो तुम यहां से लिख सकते हो कि 1 1 नहीं है, f1 बराबर f2 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 1 does not बराबर 2 के है, परंतु f1 किसके बराबर है, f2 है, ये भी अनुसार ये हो, एक एक की तो नहीं है, तुम आराम से लिख सकते हो। अच्छा तक आ जाओ, फिर हमारे पास y बराबर क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला अच्छा तक के लिए, ऑन टू के लिए इसको y बोल दिया, तो y इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया, x माइनस 1, ये इधर गया तो y प्लस 1 बराबर मेरे पास कितना हो गया, x हो गया, और x मेरे पास क्या है भैया, अभी x जो है वो बड़ा है किससे, मेरे पास 2 से, मेरे पास क्या है, तो आप ध्यान सुनो, मैं y कुछ भी रखूं, मैं y कुछ भी रखूं, मैं y कुछ भी रखूं, यहां पर कुछ भी y रखूं, तो मेरे को x पक्का मिल जाएगा, आराम से मिलना है यार, अगर मान लीजिए मैंने देखो ऐसे समझ लो, जैसे मैंने इसको 2 से x क्या है, 2 से बड़ा है ना, जैसे यहां पर y कुछ भी रखा, चलो y मेरे को कहां से रखना पड़ेगा, y 1 रख दिया, तो y अभी 1 नहीं रखूंगा मैं, क्यों, क्योंकि 1 के तो प्रतिबिंब में 1 और 2 है मेरे पास, 1 का प्रतिबिंब में 1 और 2 है, तो मैं 2 से रखना शुरू करूंगा, ये समझना भी पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, मैं 1 क्यों नहीं रखूंगा, क्योंकि f1 और f2 तो मेरे को 1 दिया गया है, तो मैं y 2 से रखना शुरू करूंगा, 2 रखा तो कितना मिला, 3 मिला, 3 रखा तो फिर मिला 4 5 6 7 8 9 10 11, कुछ भी रखूंगा y, कुछ भी रखूंगा x मिलेगा, y कुछ भी रखूंगा x मिलेगा, तो फलन क्या है मेरे पास, अच्छा सर इतनी बात आ गई समझ में, तो अगला 11वां तो अभी-अभी बताया था मैंने, अब देख लो fx बराबर x स्क्वायर, ना एक है कि ना अच्छा तक है, क्लियर है, तो भैया इतनी चीजें थी, थोड़ा सा इसके आगे को हल करेंगे, या पूरा बना दो, ठीक है फिर कल करेंगे, ठीक है ना, और इतना समझना, अगर अभ्यास बनाना चाहते हो अभ्यास बनाना, नहीं तो कल तो मैं पूरी पूरी तो मैं बताऊंगा ही, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हमने करनी है, तो इतना तुम करना, फिर तो मिलते हैं फिर बच्चों कल को, ओके बच्चों बाय।